नमस्कार साथी, मैं पवन सक्सेना हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक बेहतरीन निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। इस निर्णय के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारे बेरोजगार युवा थे शिक्षित, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो समस्या का निराकरण करने का प्रयास है, यह मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। कारण क्या है, बेसिक चीज पर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले कि युवाओं के सामने पढ़ने के साथ साथ जो एक दूसरी समस्या आती है, वो आती है कि स्किल। मध्य प्रदेश के युवाओं की विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें, कौशल विकास की बात करें, तो वो स्किल डेवलप किसी प्रकार की नहीं कर पाते। रीजन होते हैं, पारिवारिक स्थिति जो है वो कई बार खराब होती है, इस कारण से वो स्किल सीखने के लिए पैसा नहीं लगा सकते। वहीं इसके विपरीत उन्हें काम करना होता है, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट जॉब में या किसी न किसी दुकान पर या किसी न किसी और व्यवसाय में उन्हें एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं देनी होती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत जोरदार निर्णय लिया है मेरी नजर में, और माननीय जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी दिया है कि चिड़िया अपने बच्चों को कभी भी घोंसला नहीं देती, पंख देती है। इसलिए बेरोजगारी भत्ता देना बेमानी है, और युवाओं को काम सिखाएंगे और उसके बदले में उन्हें पैसे देंगे। मतलब क्या कि मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो काम भी सिखाएगी, और काम को सीखने के दौरान उनको जो पैसा है, जो जो एक तरह से एक सैलरी है, एक तरह से जो भत्ता है, वो भी मुहैया कराएगी। तो एक बहुत जोरदार कदम है शिवराज कैबिनेट का मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताया है कि क्या समस्या मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए विशेषकर आती है जो सामान्य तौर पर शिक्षित होते हैं। तो देखिए, क्या है ये योजना, क्या फैसले इसमें लिए गए हैं, क्या इसके लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई है, कितना पैसा आपको सैलरी के रूप में, स्टैम्पेड के रूप में आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा, आइए इस वीडियो में विस्तृत बात करते हैं और कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में जानते हैं कि इस योजना के बारे में तमाम डिटेल। तो साथियों, लेकिन सबसे पहली चीज कि योग्यता की बात करें, पात्रता की बात करें, कौन व्यक्ति इस योजना के लिए एलिजिबल है, तो अगर बात करें सबसे पहली चीज, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी यानी कि मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आवेदक की आयु, एज याद रखिएगा 18 से 29 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 29 वर्ष है तो आप सीखो और कमाओ योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद में इस योजना के अंतर्गत 12वीं या ITI या उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे। अगर आपने 12th किया है, ITI किया है, इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। आवेदक के पास रोजगार नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा भी गया, गलत किया है। रोजगार होगा तो वो यहाँ पे अप्लाई करेगा ही क्यों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदक का बैंक खाता DBT माध्यम से लिंक होना अनिवार्य, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया है साथियों, क्योंकि अभी जब लाडली बहना के फॉर्म भरे है तो उस समय पर बड़ी संख्या हमारी जो बहना थी, बहनाएं मध्य प्रदेश की थी, उनके साथ आई थी, बैंकों के चक्कर काफी लगाने पड़े थे और काफी सर्वर की उठापटक चल रही थी उस दौरान। तो अगर आप इसके लिए, इस योजना के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं और मान लीजिए इसके लिए आप पात्र हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो तमाम दस्तावेज हैं आपके, जैसे EKYC, आधार कार्ड जो है लिंक होना, या बैंक खाते में DBT, क्योंकि देखिए यहां पे इस योजना में जो पैसा आपको स्टैम्पेड के रूप में मिलेगा आपकी ट्रेनिंग के दौरान, वो पैसा सीधे आपके बैंक के खाते में पहुंचाया जाएगा। तो सीधे बैंक के खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा तो वो किसके माध्यम से पहुंचा जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के माध्यम से, यानी कि DBT के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता के तहत आपको कितना प्रति माह स्टैम्पेड दिया जाएगा। अगर आप 12वीं पास हैं और कोई कौशल सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सरकार जो है वो 8000 रुपए के आसपास देगी। अगर आपने ITI किया है तो 8500 प्रति माह। डिप्लोमा अगर आप होल्डर है किसी प्रकार का तो आपको 9000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और अगर आपने स्नातक या स्नातकोत्तर किया है तो आप 10000 रुपए प्रति माह यहाँ पे प्राप्त करेंगे। साथ में स्किल्स भी आप किसी न किसी प्रकार की सीखेंगे। दोस्तों, कुछ चीजें यहाँ पे मैं बेसिक आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 703 अलग अलग सेक्टर का मतलब ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, यानी उसका कोर्स आप सीख सकते हैं। आप इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप विधि का लोक में कोर्स कुछ हद तक सीख सकते हैं। आप इसके अलावा इंजीनियरिंग की बात अगर करें तो ये वाला आप कोर्स सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर 700 ढेर सारे, मतलब इतने सारे फील्ड्स हैं जो आप चूज करना चाहें, जितने भी फील्ड आपने मेरे ख्याल से सुनी होंगी ना, वो सारी की सारी फील्ड आएंगे इसमें। लगभग 703 वे क्षेत्र हैं जिसमें आप अपने कौशल को, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सरकार आपको कौशल के लिए ट्रेनिंग देगी, सिखाने के लिए प्रयास करेगी, सिखाने के बाद आपको
दूसरी जो समस्या रहेगी कि आपको सीखने के दौरान भी पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसमें आप आपका मनपसंद जो भी कोर्स है, 703 टाइप के कोर्स है, वो कोर्स आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद में मुख्यमंत्री जी का कहना था कि आप उन्हीं कंपनियों में, जिन कंपनियों में आप सीखेंगे ना, वहीं पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और कंपनी में जॉब कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन चीज है, क्योंकि देखिए स्किल सीखना बहुत जरूरी होता है किसी न किसी प्रकार की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज, आगे की तरफ आते हैं। ये आपको सैलरी मिल गई है। नेक्स्ट चीज की अगर बात करें तो इसके विशेष जो इसके जो डेट्स है जो आपको याद रखना चाहिए इस योजना के तहत, तो क्या है वो देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई है। क्या है इसके तहत डेट्स हैं उनकी हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो 7 जून 2023 से ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों का पंजीयन शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए 703 अलग अलग फील्ड्स हैं, तो अलग अलग ट्रेनिंग वाली जो संस्थाएं हैं उनको रजिस्टर्ड करेगी सबसे पहले गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट करने रजिस्टर्ड करने के बाद में 15 जून 2023 से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा। 15 जून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी साइट उपलब्ध कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पंजीयन करा सकते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद 15 जुलाई 2023 से, मतलब एक महीने बाद, युवाओं का प्लेसमेंट होगा, मतलब उनको भर्ती किया जाएगा, उनको उनके उनके नाम के अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और उनको जो भी स्थान का आवंटन होना है वो यहां पे हो जाएगा। और 31 जुलाई 2023 से सरकार और ट्रेनिंग देने वाले जो संस्थानों का अनुबंध है, जो डील है, वो कंप्लीट हो जाएगी। और फाइनली 1 अगस्त वो डेट होगी जिस अगस्त से युवाओं को सीखना शुरू कराया जाएगा। युवा सीखना शुरू कर देंगे 1 अगस्त 2023 से, मतलब आपको जो प्रतिमा स्टैम्पेड मिलना है, जो सैलरी मिलना है, जो वेतन मिलना है सीखने के साथ, वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो ये डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखेगा। तो एक बेहतरीन योजना सरकार की तरफ से यहां पे प्रस्तुत की गई है। इस योजना में जैसा कि यहां लिखा हुआ है, सीखो और कमाओ, मतलब सीखने के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान पैसे पाओ और जब आप फाइनली उसमें दक्ष हो जाओ, आप सीख जाओ, तो खुद का रोजगार आप प्रारंभ करें या किसी और कंपनी में आप बढ़िया सी जॉब करें, ये मुख्यमंत्री का लक्ष्य। अच्छा, एक बेहतरीन चीज में आपको ट्रेनिंग की अवधि यहाँ पे डिसाइड नहीं है। ट्रेनिंग की अवधि क्यों डिसाइड नहीं है, तो मुझे जहां तक लगता है 703 अलग अलग प्रकार के फील्ड हैं। अब 703 फील्ड, तो किसी फील्ड में ट्रेनिंग 2 माह की हो सकती है, किसी फील्ड में ट्रेनिंग 6 माह की हो सकती है, किसी फील्ड में 1 साल की हो सकती है, 1 वर्ष की हो सकती है। तो अलग अलग, चूंकि समय अलग अलग कौशल को सीखने का होता है, इसलिए ट्रेनिंग का समय भी अलग अलग होगा। अलग अलग समय के बाद में अलग अलग वो जो सैलरी जो मैंने आपको बताई थी, वो सैलरी आपको हर माह मिलेगी जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। और उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट एक आपको सर्टिफिकेट भी देगी, एक सर्टिफिकेट देगी कि आपने कौशल को प्राप्त किया है, इस स्किल को डेवलप आपने अपने आप में किया है दोस्तों। तो एक गरीब बजट की स्कीम यहाँ पे लाए हैं मुख्यमंत्री, सीखो और कमाओ योजना। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं हो आपका, तो आप डेफिनेटली अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथियों कैसी स्कीम आपको ये लगी ये हमें जरूर बताएं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार और प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आपको इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें वो युवा, इसके लिए मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि वो युवा इसके लिए ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा कौशल हैं, जिनको एक अच्छी जॉब की तलाश है, मगर घर की अन्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो या पैसे नहीं लगा पा रहे हैं, कौशल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे जो युवा हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए पात्र हैं, इसके लिए ज्यादा बेहतर है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी कई सारी भर्तियां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की जा रही है, निकाली जा रही है। अभी वन रक्षक जो हमारा पेपर, उसके शुरू होने वाले हैं, 22 में से उसके पेपर शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी हम सुन रहे हैं, वो भी सितंबर में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को सतत बनाए रखें, चलते रहें, कंटिन्यू चलते रहें। 2023-24 में मेरी शुभकामना है कि डेफिनेटली आप किसी न किसी मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।